अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सूफियानी मटन बिरयानी, जो कि बहुत ही लजीज है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल हैदराबादी डिशेस को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम यहाँ पर दो प्याज लेकर इसे कट कर लेंगे। अब इन कटी हुई प्याज को जार में डालकर बगैर पानी डाले ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ग्राइंड हो चुका है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे 2.5 केजी मटन यानी 2.5 किलो, और अब हम इसमें 7 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2.5 टीस्पून नमक और इन 10 से 12 हरी मिर्चियों को बगैर पानी डाले ग्राइंड कर लेंगे और इसमें डाल लेंगे। और इसी तरह इसमें 2 टीस्पून पपई का पेस्ट, 2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, ग्राइंड की हुई प्याज, 1 कटोरी तली हुई प्याज, 3 टीस्पून खोवा, 2 नींबू का रस डाल लेंगे, 1 बंच पुदीना और 1 बंच कोथमीर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसे 4 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो अब 4 घंटे हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे। तो देखिए ये कितने अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब इसमें 4 चम्मच घी, 250 ग्राम दही, चुपटी भर ज़ाफ़रान डालकर मिला लेंगे। और इसमें 2 चुटकी अजीनोमोटो डालकर मिला लेंगे। अब हम 8 से 10 इलायची को छील कर रख लेंगे। अब हम एक छन्नी ले लेंगे। अगर आपके पास छन्नी ना हो तो मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी डाल दे सकते हैं। अब इस छन्नी में 1/2 टीस्पून शाहजीरा, 20 लौंग, एक छोटा सा पीस जायफल का, एक छोटा सा पीस जावित्री का, 10 इलायची, 8 से 10 कबाब चीनी, थोड़ा सा पत्थर का फूल और 10 से 12 छोटे पीसेस दालचीनी के चकले लेकर इसे लॉक कर लेंगे। आप ये बात याद रखें कि अजीनोमोटो, कबाब चीनी और जायफल जावित्री ज़्यादा ना डालें, इससे आपकी बिरयानी का टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब हम यहाँ पर 2.5 केजी यानी 2.5 किलो बासमती राइस ले लेंगे और अब इसे धोकर 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम एक भगोना लेकर इसे हाई फ्लेम पर ऑन कर लेंगे और इसमें 6 लीटर पानी डाल लेंगे। अब इसमें 5 से 6 हरी मिर्च, थोड़ी सी कोथमीर, थोड़ा सा पुदीना, 8 से 10 सालम पत्ते। अब इसमें छन्नी डाल लेंगे और 4 चम्मच नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। अब इसे हाई फ्लेम पर पानी खौलने तक ढक देंगे। अब देखेंगे कि पानी खौला है या नहीं। तो देखिए पानी खौल चुका है। अब इसमें के सारे इंग्रेडिएंट्स निकालेंगे, जैसे कि सालम पत्ता वगैरह। अब इसमें 2.5 किलो चावल डालकर इसे हाई फ्लेम पर मिलाते रहेंगे। ये बहुत ही बारीकी का काम है। तो अब हम चेक करते रहेंगे कि ये 50% पका है या नहीं। 50% यानी चावल को दबाने पर 2 टुकड़ों में टूट जाना।
चावल को दबाने पर पूरा दबना नहीं चाहिए। यह चावल 50% हो चुका है, इसे अलग कटोरे में निकाल लेंगे। अब चावल को 75% तक पकने के लिए 1 मिनट तक मिलाते रहेंगे। 75% यानी चावल को दबाने पर 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब ये 75% पक चुका है, अब इसे अलग से एक छन्नी में निकाल लेंगे। अब 250 ग्राम ऑयल लेकर इसे गर्म कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून घी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये तेल 1 टेबलस्पून इस भगोने में डाल लेंगे। अब 50% पके हुए चावल में से थोड़े से चावल लेकर इसमें डाल लेंगे। अब सारा मैरिनेट किया हुआ मटन को अच्छे से लेयर कर डाल देंगे। अब इसमें 4 कटे हुए हरी मिर्च, थोड़ी सी कोथमीर पुदीना, थोड़ी सी तली हुई प्याज और 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर 50% पके हुए चावल डाल देंगे। अब 75% पके हुए चावल की लेयर डाल लेंगे। और इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 थोड़ी सी कोथमीर पुदीना, 1 थोड़ी सी तली हुई प्याज डालकर सेवेंटी फाइव परसेंट पके हुए चावल की लेयर डाल देंगे। अब इस पे थोड़ी सी कोथमीर पुदीना, 1/2 कप दूध, सारा बचा हुआ तेल इस पे डाल देंगे। थोड़ी सी तली हुई प्याज और जो भगोने में हमने चावल बॉईल किए थे उसमें से बचा हुआ पानी 1 कप लेकर इस पे डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ होल्स कर लेंगे ताकि भाप ऊपर आसानी से आ सके, बिरयानी अच्छे से पक जाए। अब हम इस भगोने को एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे, चाहे तो आप कॉटन का कपड़ा भी लगा सकते हैं या फिर भिगा हुआ गेहूं का आटा साइडों से लगाकर पैक कर सकते हैं और कुछ होल्स कर लेंगे। अब इसे ढाँक कर जो चावल को बॉईल किया था उसका बचा हुआ पानी कटोरे में डाल कर इस पर रख देंगे ताकि भाप बाहर ना आ सके। सबसे पहले आप चूल्हे पर एक तवा रख लें, तवे पे भगोना रख कर उसमें लेयर जमा लें। अब इसे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे और 10 मिनट के बाद 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम के लिए रख देंगे। अब 50 मिनट हो चुके हैं, इसकी प्लेट हटा लेंगे और एल्युमिनियम फॉइल निकाल लेंगे। तो देखिए सूफियानी मटन बिरयानी तैयार है। तो अब चेक कर लेंगे कि मटन गला है या नहीं। तो देखिए मटन कितना सॉफ्ट गल चुका है। और साथ में देख लेंगे कि दाग लगा है या नहीं। तो देखिए नीचे कितना क्लीन है। आप इसे बुरहानी के साथ या मिर्चियों के सालन के साथ खा सकते हैं। ऐसे ही परफेक्ट डिशेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।